जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवंत कोच और आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है और आज आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, जो भाई और बहन CISF हेड कॉन्स्टेबल की फिजिकल की जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही ये वीडियो आज का खास है, क्योंकि CISF हेड कॉन्स्टेबल की जो भर्ती थी उसकी फिजिकल की डेट आ गई है दोस्तों। 26 अगस्त से 10 अक्टूबर तक फिजिकल चलेगा CISF हेड कॉन्स्टेबल का। तो इसमें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि उसका चेस्ट कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या चाहिए और रनिंग कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं। तो इसमें CISF में रनिंग जो होती है वो 5 किलोमीटर होती है और इस रनिंग में 5 किलोमीटर का जो टाइम होता है वो टाइम रहेगा आपका 24 मिनट। तो 24 मिनट आपका टाइम रहेगा। तो इसमें काफी बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि CISF हेड कॉन्स्टेबल की जो रनिंग है वो सड़क पे करवाएंगे या फिर ग्राउंड में करवाएंगे। तो काफी सेंटरों में तो ग्राउंड भी है और सड़क भी है। तो लंबी जो रनिंग होती है वो ज्यादातर सेंटरों में सड़क पे होती है। तो इसमें आप सड़क की तैयारी करें, ग्राउंड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से दौड़ पाएंगे। इसके बाद में जो हम बात करते हैं लंबाई की, तो इसमें लंबाई पुरुषों की और महिलाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है। पुरुषों की जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर है और महिलाओं की जो लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर है। हाँ, तो दोस्तों CISF हेड कॉन्स्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें सीना जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगा आपका नॉर्मली सीना, और आपको 5 फुलाउट देनी है सीने की। तो इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो हमारी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हमें लेके जाना है और हमारा मूल निवास जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, और जो मैरिड है उनको मैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो अनमैरिड है उनको एडवाइज सर्टिफिकेट लेके जाना है। और आपका जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, बहुत ही खास डॉक्यूमेंट जो आपको हर भर्ती में लेके जाना होता है, वो डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, और इसके साथ साथ आप अपनी 20 फोटो लेके साथ में जाएं। हमारी जो डिफेंस है रुद्रा डिफेंस एकेडमी तारानगर में चूरू बाईपास पे है। जो भाई झुंझुनू BRO की तैयारी कर रहा है, इसमें 5 जिलों की जो भर्ती है वो 4 तारीख को स्टार्ट हो रही है। तो इसमें झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इनकी जो इस बार रनिंग होगी वो रनिंग बीकानेर केशवानंद स्टेडियम में होगी। तो जो भाई घर पे तैयारी कर रहा है उनके लिए एक्सरसाइज के और डाइट के मैंने काफी वीडियो बनाए हैं कि हमारी डाइट में क्या लेना है, कैसे रनिंग करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कि हम 4:40 का टाइम है जो आसानी से लगा सके। और हमारी डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है रुद्रा डिफेंस एकेडमी, तो 20 तारीख से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस बैच में आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो अगर आपने दोस्तों अच्छी तैयारी की और अच्छी डाइट ली है तो मैं वादा करता हूं कि इस बार आप जो अग्निवीर की भर्ती में जाएंगे तो बीकानेर केशवानंद स्टेडियम में एक्सीलेंट जरूर लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो स्टेडियम है वो केशवानंद स्टेडियम है। उस स्टेडियम में मैंने भी 2 भर्ती देखी है, मैं भी वहाँ पे फिजिकल और मेडिकल फिट था। तो आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो
और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।